मेरे को कमजोर कर देंगे तुम रामविलास जी नाराज थे, ना खुश है ना खुश रहेगा। उन्होंने जितनी मालिक बगावत करनी थी खूब करी। जिस आदमी के 30 साल तक लगातार खून पसीना बहाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति का खेल हो या शतरंज की बिसात, राजनीति एक खेल है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति का खेल हो या शतरंज की बिसात, कब कौन सी चाल किस पर भारी पड़ जाए, कब सैनिक यानी कि सिपाही राजा को चेकमेट कर दे, बता नहीं सकते। और फिर उसके बाद में एक दौर वो आ जाता है कि जब एक कहावत है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो स्थिति भी पहुंच जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, अगर मैं ये कहूं कि अटल आडवाणी के युग के नेता रामविलास शर्मा के बारे में। पंडित रामविलास शर्मा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी से ही 5 बार विधायक रहे, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे, हरियाणा के कई मंत्रालयों में उनके पास अहम मंत्रालय रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे और मान लें तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। रामविलास शर्मा 2024 में उनका विधानसभा का टिकट क्या कटा कि मानो भूचाल आ गया। एक तरफ आंसू थे तो दूसरी तरफ रुसवाई और गुस्सा, और उसकी परिणति अब ये निकली कि 8 तारीख को जब मतगणना हो गई और 9 तारीख को महेंद्रगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक कंवर सिंह यादव रामविलास शर्मा पर तमाम तोहमत मढ़ रहे हैं। कंवर सिंह कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा जैसे लोगों से पार्टी को बचना चाहिए। पहले आपको ये बता दूं कि रामविलास शर्मा और कंवर सिंह का रिश्ता क्या है। कंवर सिंह लंबे समय तक रामविलास शर्मा के सहयोगी रहे हैं, कंवर सिंह लंबे समय तक रामविलास शर्मा के साथ रहे हैं। अपने एक वायरल वीडियो के अंदर वो कह भी रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तब भी नहीं छोड़ा रामविलास शर्मा को जब वो 3 बार चुनाव हार गए, और 3 बार चुनाव हारने के बाद में जब उनको सब ने छोड़ दिया। कंवर सिंह यादव का एक दर्द भी है, एक टीस भी है, कह रहे हैं कि अगर मार्गदर्शक के रूप में साथ रहते तो अलग बात होती, अगर मार्गदर्शक के रूप में मेरे सर पर हाथ रखते तो बड़ा आनंद आता, लेकिन कह रहे हैं कि इन्होंने तो मेरी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहने का लब्बल हुआ यही है, उनके शब्द कुछ और भी हो सकते हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी को बचना चाहिए और पार्टी को ऐसे नेताओं को दूर कर देना चाहिए। पहले आप कंवर सिंह यादव को सुनिए कि क्या कह रहे हैं। रामविलास जी नाराज थे, ना खुश है ना खुश रहेगा। उन्होंने जितनी मालिक बगावत करनी थी खूब करी, और इन कार्यकर्ताओं के कार्ड में जीता हूँ। जिस आदमी के 30 साल तक लगातार खून पसीना बहाया, लोगों ने गांव मेरे को क्या क्या कहा, उन बातों को भी नहीं देखा। 3 बार लगातार हारने के बाद में दुनिया छोड़ के चली गई, मैंने नहीं छोड़ा। मैं पार्टी से टिकट खोज के नहीं लाया, पार्टी ने मुझे टिकट दी थी। मुझे खुशी होती मेरी पीठ पर हाथ रखते और एक मार्गदर्शक के रूप में इस चुनाव को लेकर हमें आदेश देते। रामविलास जी के आज भी उतना स्वागत रहता और पहले जितना था उतना भी रहता, लेकिन मुझे कहने में कोई शक नहीं है, जितनी कुराफात, जितनी चुनाव को डिमेज करने की जो कोशिश की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। कंवर सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, रामविलास शर्मा के नजदीकी सहयोगी रहे हैं, रामविलास शर्मा के निजी सहायक के रूप में कार्य किया है। आपको मैं बताता चलूं कि रामविलास शर्मा 5 बार विधायक बने हैं और कई बार चुनाव हारे भी हैं। 1982, 1987, 1991 और 1996, ये 4 चुनाव लगातार रामविलास शर्मा जीते थे। 2000, 2005 और 2009, इन चुनावों में रामविलास शर्मा हार गए थे। 2000 का चुनाव तो वो बल्लभगढ़ से हारे थे, 2005, 2009 फिर से महेंद्रगढ़ हारे थे, 2014 में ये फिर चुनाव जीते। 2014 में चुनाव जीते तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी, इनकी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में। पंडित जी बिल्कुल तैयार थे, कपड़े वपड़े सब इस्त्री करवा लिए थे, सब प्रेस थे कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनाया मनोहर लाल को।
मनोहर लाल के साथ में शिक्षा मंत्री बने रामविलास शर्मा। 2014 से 19 तक सरकार के अंदर पूरा ओहदा रहा, जितना बड़ा उनका कद है उतना ही बड़ा उनको ओहदा मिलता रहा पार्टी के अंदर हमेशा। 2019 में उनको पार्टी ने टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो चुनाव हार गए रावदान सिंह से। फिर से 2019 का चुनाव हारने के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदलते हुए महेंद्रगढ़ के अंदर पहली बार यादव बनाम यादव चुनाव कर दिया। रावदान सिंह यहां पर कैंडिडेट कांग्रेस के थे, कांग्रेस से बड़े नेता हैं रावदान सिंह, और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया कंवर सिंह यादव को। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंवर सिंह यादव कभी रामविलास शर्मा के नज़दीकी सहयोगी रहे हैं। महेंद्रगढ़ का टिकट सबसे अंतिम पलों में अलाट हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट की पहली लिस्ट आई थी उसके अंदर पंडित रामविलास शर्मा का नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में आई थी रामविलास शर्मा का नाम नहीं था, पंडित रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन कर दिया था और उनको सहारा कहूँ या शह कहूँ वो मिली थी राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर, इन दोनों का बड़ा सहयोग मिला था पंडित रामविलास शर्मा को। जब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, वो पर्चा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर दाखिल किया था कि जिसमें सिंबल ना दिया हो और या फिर इंडिपेंडेंट किया था, एक लास्ट तक भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। खैर, जब उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया तो जो हमारे दर्शक हैं आप जानते होंगे अच्छे से कि उस समय एक लेटर वायरल हुआ था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का, हरियाणा के मुख्य सचिव का एक लेटर वायरल हुआ था जिसके अंदर रामविलास शर्मा जी पर एक पुजारी के आरोप थे, कई आरोप लगे हुए थे। रामविलास शर्मा का वो दृश्य भी आपको ध्यान होगा, आपको वो सीन ध्यान होगा रामविलास शर्मा जी का, कि जब उनका टिकट कट गया तो उनके निवास पर भीड़ थी, आंसू थे, रुसवाई थी, गुस्सा था, क्षोभ था, सब कुछ था, और रामविलास शर्मा भी उसके अंदर रो रहे थे, कार्यकर्ता भी रो रहे थे। आप इस वीडियो को भी देखें एक बार। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम है, सर ये गद्दार ने आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं आपके साथ बात सुनिए, अपने बाप है मेरे, नहीं तो आप तो एक छोटे से किसान के बेटे। चुनाव शुरू हुआ, रामविलास शर्मा जी कैंडिडेट नहीं हुए, रामविलास शर्मा स्टार प्रचारक हो गए, लेकिन अब कंवर सिंह यादव कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक तो हुए, स्टार प्रचारक तो बने, लेकिन महेंद्रगढ़ के अंदर रामविलास शर्मा पर कई तोहमत लग रही हैं। तोहमत ये कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की मदद नहीं की, सबसे प्रमुख बात होती है चुनाव के अंदर ये, कैंडिडेट की अगर मदद नहीं होती, और अगर कैंडिडेट खुद जिस प्रकार से वो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर उनके वायरल बयान हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर मार्गदर्शक के रूप में साथ देते, ये कंवर सिंह यादव की टीस हो सकती है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि कंवर सिंह यादव जो चुनाव जीते हैं महेंद्रगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही माने जा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल के 11 में से 10 विधायक बने हैं, उनमें से इनको अपने कोटे में नहीं गिन रहे, यानी कि दो विधायक ऐसे हैं जिनको राव इंद्रजीत सिंह अपने कोटे में नहीं गिन रहे होंगे, एक पहले विधायक तो कंवर सिंह यादव भी महेंद्रगढ़ वाले, और दूसरे विधायक राव नरबीर सिंह बादशाहपुर वाले। तो कंवर सिंह यादव को लेकर के जो उनके बयान चल रहे हैं, ये सोशल मीडिया में चर्चा का विषय तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपको वो भी ध्यान होगा कि पंडित रामविलास शर्मा ने एक बात और बोली थी, जब उन्होंने अपना नामांकन वापिस लिया था और उस समय जब मीडिया के सामने थे, जब वो मैंने बताया कि आपको आंसू थे, गुस्सा था, रुसवाई थी, सब कुछ था, उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर ही जाऊंगा, इसका मायने ये होता है कि अंतिम सांस तक बीजेपी में रहूंगा, लेकिन जो उन पर के राजनीतिक अवसान का जो समय है पंडित रामविलास शर्मा का, क्योंकि एक तो उनकी उम्र का वो दौर है,
दूसरा उनका टिकट कटने के बाद में अब राजनीतिक भविष्य कोई विशेष दिखाई नहीं देता। अगर इस प्रकार की बातें ना होती तो शायद पंडित रामविलास शर्मा का राजनीतिक जो करियर था बड़ा उज्ज्वल होता, उनको किसी राज्य का राज्यपाल या महामहिम तक ये सारी बातें भी चल सकती थी। लेकिन चुनाव में कई ऐसे दौर आए और चुनाव से पहले भी कई दौर आए। आपको ध्यान होगा नायब सिंह सैनी की सभा के अंदर जब उनका पंडित रामविलास शर्मा का राम इंद्रजीत सिंह को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधन देना, गिदरा से शेर की मौत वाले शेरो शायरी करना, ये सारी बातें, और उसके बाद में उनका चुनाव में टिकट कटना, चुनाव टिकट कटने के बाद में एक बार उनका इंडिपेंडेंट या बागी होकर के नामांकन करना, उसके बाद में वो नामांकन वापस लेना, फिर पार्टी कैंडिडेट के ये आरोप लगना। क्या रामविलास शर्मा का भारतीय जनता पार्टी में अगला समय क्या उज्ज्वल नहीं है? अगर इस प्रकार के आरोप विधायक लगा रहे हों जो अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं, और वो विधायक भी वो कि जो कभी खास सहयोगी रहे हों, इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि राजनीति का खेल हो या शतरंज की बिसात, कौन कब चेकमेट हो जाए, कब सिपाही यानी कि सैनिक राजा को चेकमेट कर दे, कुछ पता नहीं चलता। क्या रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में चेकमेट होने जा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल यही है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।